अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछली वीडियो का फीडबैक मुझे बहुत ज़बरदस्त दिया। अगर इसी तरह आप लोगों का प्यार रहा, मोहब्बत रही, सपोर्ट रही, तो इंशाल्लाह हम अपना मकाम बहुत जल्द हासिल करेंगे। अच्छा, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले, आज से 8-10 साल पहले चले जाएँ या 10-12 साल पहले चले जाएँ, तो हमें ये देखने को मिलता था कि यहाँ ब्लास्ट, हमारे पूरे पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, फ़लाँ जगह पे कत्ल हो रहे हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान हमारा सेफ़ नहीं था। लेकिन खुदा खुदा करके हमारी इन चीज़ों से अब जान छुटी, हमारा पाकिस्तान जब सेफ़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारा पाकिस्तान फिर एक मुसीबत में झगड़ा हुआ है, और वो है रेप। बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती के तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली हंगू में वाकया हुआ, पाकिस्तान की निश्ता मेरे इल्म के मुताबिक 4-5 हज़ार से ज़्यादा केस दर्ज हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको इतनी ढील क्यों मिल रही है। जब तक देखें हम इन्हें पकड़ के सरेआम फांसी नहीं देंगे, सरेआम इनको मारेंगे नहीं, तो ये चीज़ नहीं रुकने वाली। इनकी सजा सख्त सख्त होनी चाहिए। असेंबली में अभी बिल पास हुआ था, मुझे नहीं पता कि इस पर अमल दरामद कब होगा। सिर्फ ज़ैनब के कातिल को फांसी दी गई थी, अगर उसे भी सरेआम फांसी पे लटकाया जाता, दुनिया को दिखाया जाता, उनमें से ये दरिंदे देख लेते, तो शायद उनमें इतनी हिम्मत ना पैदा होती। जब तक उनको दर्दनाक सज़ा नहीं दी जाएगी, ये चीज़ नहीं ख़त्म होने वाली। इस जहाँ में तो वो बच रहे हैं, लेकिन उस जहाँ में क्या करेंगे, अल्लाह के आगे उन्होंने क्या करना है। उनका जो हाल होगा वो तो सबको पता है। इस सूरत हाल में वालदैन को क्या करना चाहिए? खुदारा वालदैन से मेरी अपील है कि अपने बच्चे या बच्चियों को बाहर अकेला मत छोड़ें। अगर वो दुकानदार के पास जाते हैं, या गली मोहल्ले में खेलने जाते हैं, या कुछ किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, तो उनको अकेला जाने मत दें। चाहे वो स्कूल जा रहे हों, चाहे वो मदरसे जा रहे हों, या स्कूल की वैन में उनको किसी आपने ड्राइवर लगाया हुआ, अकेले वो आते जाते हैं, तो इस चीज़ से परहेज़ करें। और इस्पेशली ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के घर आते जाते उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बाहर इंसानों की शक्ल में दरिंदे और भेड़िए दन दनाते फिर रहे हैं। ना तो उन्हें किसी की जान की फिक्र है, और ना ही उन्हें किसी की इज्जत प्यारी है। तो वो किसी भी वक्त इन मासूमों पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा तमाम वालदैन से अपील है, वो दरख्वास्त है कि आपकी एक मिनट की गफलत की वजह से, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, सारी उम्र का पछतावा और रोना नसीबों में होगा। तो मेहरबानी करें कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। और मेरी अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला सब की बहनों की बच्चियों की इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इन दरिंदों पर सख्त अज़ाब नाजिल करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़। और आप लोग एज ए लेडीज़, जब ये रेप का न्यूज़ सुनने को मिलता है तो मन में क्या आता है पूर्णिमा? यही कि उन रेपिस्ट को मार देना चाहिए। मर जाए, फुल एंड फाइनल। तेरे को क्या लगता है सुप्रिया? They don't deserve to live, just kill them. और आप? पीच सड़क में सबके सामने उनका काट देना चाहिए। जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस वाले ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर।